नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है संडे, तो आज साहिल की अभी नींद पूरी नहीं हुई है, देखिए सो रहा है। छुट्टी है तो कितना भी जगाते रहो, 8 साढ़े 8 बजे से यहाँ नहीं उठते हैं ना साहिल और ना साहिल के पापा। दोस्तों 8 बज गए हैं, अभी भी सो रहा है साहिल। पापा मुश्किल से उठे हैं, जान कितनी बार जगाई हूँ तब उठे हैं, चाय पिए हैं। चाय पीने के बाद हम मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। उठो भाई, चलो चलो चलो, तुम्हें भी चाय बना दूँ। चलो 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 चलो, उठो भाई, 8 बज गए हैं, उठो। अभी स्कूल होता ना तो जगाना नहीं पड़ता है, 5:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं साहिल आंगन में। क्या छुट्टी होती है तो बहुत निश्चिंत हो के बच्चे सोते हैं, या छुट्टी है साहिल, उठो भाई, चलो 8 बज गए, उठो। और दोस्तों खाना खाने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये आराम कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ बताओ? अरे ये क्या हो गया, ये क्या है, ये कौन सा दुलार है? चलो साहिल को जगाओ, कहते चलो उठो साहिल, खाना खा लिया, दूध पी लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? चलो 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 चलो, उठो साहिल जल्दी से, आ जा रानिया, आ जाओ, आओ साहिल, वो खाना चाहिए। दोस्तों मेरे मटर में हो गए हैं कीड़े और थोड़ी सी चने की दाल में भी हैं, तो मैंने निकाला है धूप में डालने के लिए। देखिए ये मेरा मटर, और मटर तो मैंने निकाले हैं इतने सारे छिक्कल, ये कीड़े का खाया हुआ मटर है, देखने में पूरा सेंग है, और थोड़ी सी पकड़ के दबा दो तो पूरा छिक्कल है, इतने सारे निकाले हैं। तो मटर को धूप में डालेंगे, और चने की दाल भी निकाली हूँ, इसमें भी थोड़ी थोड़ी कीड़े लग रहे हैं, धूप में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने निकाल दिए हैं सारे जो खाए हुए मटर थे, निकाल दिए हैं, थोड़ा बहुत बचे होंगे जो बचे होंगे। ये देखिए इतना सारा निकला है, इतना ही सारा बाहर साफ करते समय निकाल आई हूँ, अभी बैठे बैठे निकल छाँटती रही हूँ, इतना सारा निकला है। चाट बनाएंगे क्या? क्यों बना लेना, आपसे कह रही हूँ चाट बनाएंगे क्या? बना लेना, ठीक है। और ये है मेरी चने की दाल, ये देखिए इसमें भी थोड़ी थोड़ी पाई है, ये देखिए इतना आटा कर दिए पाई, इसको भी साफ कर दूं पहले तो ये सारा आटा निकल जाएगा, फिर आज धूप में डालेंगे, पूरा दिन धूप में पड़ी रहेगी, सारे जो कीड़े होंगे हट जाएंगे शाम। दोस्तों मैंने मटर साफ कर दिया और चने की दाल साफ कर दिया, अब थोड़ी सी तेज धूप निकाला है तो छत में डाल देंगे, और अब मैं जा रही हूँ किचन साफ करूँगी, आज किचन की सफाई कर दूँ। क्या हो गया तुम्हें, बस फुर्सत हो गई सफाई से? आइए ये च्यों 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 च्यों, तुमको क्या हो गया बता, किस चीज़ को गुस्सा आई है, समझ में नहीं आता है, इसके च्यों च्यों छोड़ कुछ नहीं रहता, खाना चाहिए? तो दोस्तों खाना भी मैंने बना लिया है, खाने में क्या बनाया है, मैंने बनाया है अरहर की दाल, चावल आटा गूंज के रख दिया है, अब जा रही हूँ थोड़ी सेव कर दूँ, साहिल और साहिल पापा नाश्ता करेंगे सेव का, और यहाँ पर मैंने सारा सामान काट के रख दिया दाल छौंकने के लिए, मिर्च तलेंगे और छौंकने के लिए भी काट लिया है, सारा इंतजाम करके खाना का रख दिया है, रोटी बाद में सेकूंगी, पहले जा रही हूँ किचन की सफाई करने। जगा दीजिए, चाय छानूं, चाय रखी हुई है बहुत देर से, आ जा साहिल, जा रही हूँ दोस्तों से वो काट दूँ, ये लोग नाश्ता कर लें,
साहिल के पापा तो चाय पी चुके हैं, मैंने भी चाय पी लिया है। अभी साहिल चाय रखी हुई है, ये रखी हुई है, चाय नहीं है, जरा सी चाय डालती हूँ, दूध देती हूँ, तो ये रखा हुआ है दूध, तो फिर जब उसको गर्मा के चाय दें। जगा दो, छुट्टी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 10 बजे सो के उठेगा। बहुत देर की हो गई चाय, छान के रख दिया था दूध में डाल के, तो ख़राब होने लगती है। तो दोस्तों सेव कर दूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है किचन की भंडलिया की साफ सफाई करना। मम्मी ये रानी ने है ना कूलर खराब कर दिया है, चढ़ती रहती है ना ऊपर, ये सब निकाल दिए, गल भी गया पूरा, बहुत धूल हो रही है, तभी तो पोछा साफ कर रही हूँ, जुकाम हो जाएगा। और चिपका है? और चिपकेगा, और यहाँ पे ज्यादा थोड़ा पीछे करो और चिपका दो, वो नहीं चिपकेगा ना, यहाँ वो रखा हुआ सामान बराबर से आएगा, कूड़ा दान ले, हैं कूड़ा दान ले, आप कूड़ा भर दीजिए, लो मैं कूड़ा दान। दोस्तों किचन की भंडलिया साफ हो गई, बची है टाल, इसको भी साफ कर दें। फिर नीचे की पत्ती से क्या कर रहा है, बहुत धूल थी, बहुत धूल थी, गीला पोछा करके ना साफ करती आराम आराम से, तो बहुत जुकाम हो गया था, छिक छिक करने लगा। बस वाली धूल है ना, काली काली हो गई। मम्मी ये वाली टाल में क्यों नहीं कुछ रखती हो, अरे छापते हैं काला काला हो जाता है सब, जो भी रखते हैं सामान इसलिए नहीं रखते हैं, चिपड़ जाता है ना। चलो ले, साफ हो गई, हटो जल्दी उतरो, एक सूखा पोछा उठा दो, मेरा हेयर बैंड लगायो, मेरा हेयर बैंड लगायो, हाँ तेरा तो है, इसको धुलना सबसे पहले इसमें बर्तन वाले जाल में पेपर बिछा दें, फिर ये पट्टी साफ करें। ला न्यूज़पेपर ला, कपड़ा दे, कपड़ा उठा, गोंद ले, गोंद भी लगेगी पर चिपकने पर। उसकी छुच्छी निकाल देना, निकाल के नहीं दे पा रहे, कहाँ कहाँ से
ग्लू लगा रही हूँ, ऐसे चिपका रही हूँ, बात काम करते समय वो नहीं होता ना। धूल हो जाती है और बर्तन गंदे हो जाते हैं। इसका कपड़ा रख दिया रोम की जगह ढकी रहती है तो गंदी नहीं होती है, कोई चिकड़ जाए। उसका टकला मेरी टकले की तरीके मम्मी हो गया बर्तनों का झाड़ साफ। दोस्तों मम्मी के बर्तनों का झाड़ साफ हो गया है, अब मम्मी दूसरी टाड़ की सफाई करेंगे। मैं दिखाता हूँ पापा क्या कर रहे हैं। दोस्तों पापा यहाँ पे कूलर का पंखा खोल के उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, बाद में कूलर की जाली साफ करेंगे, फिर बाद में पेंट करेंगे, अभी जंग साफ कर रहे हैं। दोस्तों मैंने किचन की भंडारिया साफ कर दिया और ऊपर की किचन की टार साफ कर दिया और बर्तन वाले जार को साफ कर दिया, सारे न्यूज़पेपर हटा दिए, दूसरे न्यूज़पेपर बिछा के सारे बर्तन रख दिए। ये देखिए सारे बर्तन ही साफ किए हैं, धूल की दो बर्तनों में बर्तनों की धूल साफ कर दिया और अब निकालूंगी मैं ये सारे डिब्बे, ये सारे डिब्बे ऊपर से नीचे रखूंगी, फिर न्यूज़ पेपर हटाऊंगी तार से और फिर तार साफ करूंगी, फिर दूसरा न्यूज़ पेपर लगाऊंगी, फिर सारे डिब्बों की गंदी पन्नियाँ हटाऊंगी, दूसरा पन्नियाँ लगाऊंगी, फिर सारे डिब्बे ऊपर तार से रखूंगी। जा रही हूँ दोस्तों ये भी जल्दी से साफ कर दूँ। पन्नी ना लगा तो इतने डिब्बे गंदे हो जाते हो जाएंगे कितने ए मका भरा हुआ है चावल, इस डिब्बे में पन्नी नहीं लगाते हैं, देखो कितना अच्छी खराब होती है, काला काला हो गया, साफ करती रहती हूँ तो भी इतना काला काला ए मका भरा हुआ है। शेजवान चटनी पता नहीं पन्नी ना लगाए ना सारे डिब्बे चिपकते रह जाए। दैया रे दैया क्या करेंगे भैया, इतनी खराब कागज हो गई, कितने न्यूज पेपर काले हो गए, बिछाए ना तो पूरी टाड़ काली काली हो जाए, देखो कितने काली है पन्नी। हाँ बहुत काली है, मेरे से भी काली, ये तो मेरे से भी काली है। तुम काली हो? हाँ नहीं मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ तो गोरा बहुत हूँ। अच्छा हाँ जिन देखो पन्नी नहीं लगी है देखो कचरा जमा। कूलर की पंखुड़ी साफ कर रहे हैं और यहाँ पे मम्मी किचन साफ कर रही हैं, अभी भी नहीं हुआ लग रहा था, मम्मी अभी भी नहीं हुआ क्या किचन साफ? हो गया और से हो गई किचन की सफाई से, इसको धुला था ना तो इसका पानी साफ कर हो गई साफ। शक्कर का, चाय की पत्ती का, नमक का डब्बा रह गया साफ करने को, बाद में साफ करूंगी, टाइम बहुत हो गया है, काम भी करना है, नहाना है। गिफ्ट आ गया मम्मी, न्यूज़पेपर। हाँ क्या है यार खोलो। मैं सोच रही थी कि उसका प्लास्टिक का डब्बा आ गया, ठीक है क्या है? तीन हैंड वॉश है, एक वो है बॉडी। तीन हैंड वॉश का दिए हैं, इनकी वजह तीन बॉडी लोशन नहीं दे पा रहे थे, बड़े होशियार न्यूज़ पेपर वाले। चलांकी करते, तीन हैंड वॉश दे दिए, बॉडी लोशन नहीं दे पा रहे थे, साल खांड चलती। चलो जल्दी से कर लूँ काम, सीढ़ी को ले जाओ सीढ़ी पर कमरे में रखो। मम्मी तेल में डूबा रहा है क्या पेपर? ये तेल में नहीं डूबा रहा है, ये जिस तरफ दिखा है वहाँ चूल्हा है, सब्जी छौंकते हैं तेल उड़ता है भाई, तेल है पेपर में, देखो जरा कैसा ऐसा लगा है कि तेल डालते रहे पेपर में।
ना न्यूज़पेपर बिछाओ ना, पूरी कार खराब है, काली काली, ना पुताई पकड़े ना ना पुट्टी पकड़े। पता देख जरा मेरे हाथ में तेल तेल लग गए, जा रही हूँ झाड़ू लगा लूँ जल्दी से, पोछा लगा लूँ, बर्तन धोलू, नहाऊ। दोस्तों मम्मी का पोछा लग गया, मम्मी झुल रही है पन्नी। मम्मी पन्नी धुलने के बाद क्या करोगी? पन्नी धुल गई है, बर्तन धुलूंगी, चाय की पड़े हैं, फिर इतने सारे कपड़े धुलूंगी, मच्छरदानी है वो धुलूंगी, फिर बहुत काम, पापा ऊपर छुटा रहे हैं कूलर की जंग, पूरा दिन लग गया, बहुत काम लग आज किया मैंने और पापा ने। पढ़ रहा पढ़ाई करो, तुम ऐसा करो आटा सुबह को गूंजा हुआ है और खा के आटा खा ली से फ्रिज में लगा दो, अभी मुझे टाइम है, पन्नी धुला है, पन्नी धुलने के बाद अब बर्तन धुलूंगी, कपड़े धुलूंगी, नहाऊंगी, धूप आ गई किचन, आटा खराब ना हो जाए तो फ्रिज में। कितनी देर जंग साफ करोगे? कितनी देर जंग साफ करोगे? ठीक, पेंट भी करोगे क्या? पेंट कम करना। ठीक। पेंट कराने जाना हो क्या? ठीक। मम्मी की किचन की भी सफाई हो गई और झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, मम्मी ने कपड़े भी धुल लिए, मम्मी जा रही छत में कपड़े डालने। मम्मी अब कहाँ कहाँ सफाई रह गई है करने को? दीपावली की नहीं करोगी सफाई? दीपावली की तो करती रही हूँ अभी तक, दो तीन हफ्ता से दीपावली की तो कर रही हूँ। का दीपावली की? दशहरा, करवा चौथ की, सब कहे की हो गई। अच्छा, दीपावली की रह गए, दोबारा करती रहूंगी का? एक बार और फेरी लगा देना। अच्छा सही है, इस बार सारे रजाई गद्दा वद्दा सब ढूल डालना। अच्छा और बता दो, और क्या धुलूंगी? और सोफा के ये जो गद्दे हैं ना, इनको उखाड़ के धुल देना, फिर चिपका देना। हाँ, मेरे को वॉशिंग मशीन में डाल के भों भों कर देना, एक बार में चमा चका चक हो जाऊंगा। तो ड्रम के अंदर घुसल दे, डंडा से खड़खड़ खड़खड़ घुमा देना, वॉशिंग मशीन का काम करेगा। मम्मी जल्दी से कपड़े डाल के आ, पापा ने रोटी भी बना दी, दाल भी छौंक दी, पापा ने खा भी लिया, मैंने भी खा लिया। हाँ ये देखो दोस्तों, हाँ चलो एक फेरी और लगा दूंगा, पापा भी एक बार फेरी लगा देंगे, मैं भी लगा दूंगा। हाँ मम्मी देखो मेरा हाथ टूट गया, चलो दोस्तों ये देखो यहाँ पे पापा का ऊपर माल रखा है सब, साफ सफाई वाला। ये वाली के जंग छुटा है, जाली के टंकी के जंग छुटा है, ये वाले बचे हुए। अरे बाप रे, इतना सारा जंग निकला है। हाँ दाल में छाया गई। हाँ। हाथ सिका दो इधर को। अरे बहुत गरम है। गरम नहीं है। गरम है। हमारे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? हा? पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं? पेड़ सुंदर तो होते हैं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों मम्मी ने मच्छरदानी भी धुल लिया अभी से दीपावली की। दीपावली की सफाई मच्छरदानी की कर दी है। हाँ। ये जो मम्मी हैंडमेड मच्छरदानी है ना, आपने बनाई है? बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, रोज एक बाल्टी धुलती हूँ, पहनाना करो कपड़े। ठीक है, नंगा घूमा करूँगा, नंगा घूमा करूँगा, आज से पहनना नहीं। ठीक, नंगा घूमूंगा आज से। तो मम्मी खा रहे हैं खाना, मम्मी आपको मजा आ जाएगी पापा के हाथ की रोटी खा के।
मोटी मोटी बाय बाय दोस्तों। हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। चाय पियेंगे तब थोड़ी थोड़ी नींद गायब होगी, फिर कुछ खाना बनाऊंगी। देखती हूँ क्या बनाऊंगी, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ बना लूंगी क्योंकि बहुत कम भूख लगेगी। लगेगी भूख तो रात तक लगेगी क्योंकि हम लोगों ने आज खाना खाया 3:30 बजे। दोस्तों आज पूरा दिन लगे रहे हैं मैं और बिट्टू के पापा काम में। मैं किचन की सफाई करती रही हूँ, साहिल मेरी किचन में मदद करता रहा सफाई करने में, और बिट्टू के पापा कूलर खोले हैं, कूलर की पंखा की जंग छुटाए हैं, आधी जालियों की जंग छुटाए हैं, आधी जाली अभी जंग छुटाने को बची हैं। मार दूंगी मैं, क्या हो गया। तो आधी जाली का जंग कल छुटाएंगे, फिर परसों तक पेंट करेंगे, फिर कूलर रखेंगे भंडरिया में। तभी मैंने आज भंडरिया साफ कर दिया है क्योंकि कूलर रख जाएगा तो फिर जगह नहीं बचेगी, सफाई करने में दिक्कत होगी, इधर उधर रखने में फिर बड़ा बवाल लगता है। मार खा जाओगे। पानी देखो, पानी ना बहे, बहुत बार पानी बहाते हैं दोस्तों, बहुत तेज नींद आ रही है। 3:30 बजे मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद ऊपर गई हूँ, चने की दाल लाई हूँ, मटर लाई हूँ खा के। मार खा जाओगे दोस्तों। बना लूँ चाय जल्दी से दोस्तों। सुबह मैंने दाल पका के रख दिया था और आटा गूंज के रख दिया था, तो आज बिट्टू के पापा ने दाल छौंका है और रोटी बनाई क्योंकि मेरा पोछा नहीं लगा था, पोछा लगा रही थी तो बिट्टू के पापा के हाथ दर्द करने लगे थे जंग छुटाए छुटाए, तो रख दिए थे, कह रहे थे कल आज हिसाब करूँगा जाली। अब मैं नहीं हिसाब कर रहा हूँ, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। फिर उन्होंने नहाया था, नहाने के बाद दाल छौंकी थी, रोटी सेंकी थी, साहिल ने खाया, साहिल के पापा ने खाए, मेरे लिए रोटी सेंक के रख दिए थे, फिर पोछा लगा के नहा के फिर मैं खाना खाई थी। आज बिट्टू के पापा ने रोटी बनाई थी। मम्मी छानो चाय, कितनी देर पकाऊंगी। पक गई, जितने अच्छे से पकाई उतनी अच्छी चाय लगती है। दोस्तों मेरी चाय पक गई है, अब जा रहे हैं हम लोग पियेंगे चाय। चाय पीने के बाद फिर भरूंगी मैं चने की दाल पन्नी में और मटर भी भरूंगी पन्नी में। छत से थाली में लेके आई थी, वैसे वह थाली में रखी हुई है, तो मटर पन्नी में भर के डिब्बे में भर के रख दूँ और चने की दाल पन्नी में भर के रख दूँ क्योंकि अभी बिट्टू के पापा को कोई भरोसा नहीं है कि कल वे सब किसान ही जा पाएंगे, तो भर के पन्नी में रख दूँ, इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी कूलर की आधी जाली रह गई है जंग साफ करने के लिए, तो कल वो भी साफ करेंगे, कल मुश्किल जा पाएंगे बेसन पिसाने, तो देखो शायद परसों जाएं बेसन पिसाने, तो भर के रख दूँ। तो दोस्तों जा रहे हैं पी लें चाय, मिलते हैं आप लोगों से चाय पीने के बाद। बाय बाय। चलो क्या है कर रहा है मम्मी? आपके दाल से मटर फूट जा रहा है। मेरे दांत से तो नहीं फूट रहे थे, मेरा एक दांत हिलने भी लगा। मेरे दांत से तो फूट नहीं रहे थे, मेरे दांत एक हिलने भी लगा, आपके दांत से फूटे जा रहे हैं। मेरे चक्कर में तुम ना लगना, दांत मत छोड़ देना। अभी नहीं फूट पाओगी, तुम्हारे दांत अभी फूटे। मेरे दांत अभी मजबूत नहीं, जब बड़े हो जाए तब अच्छे से हो जाएंगे, पत्थर जैसे चट्टान जैसे। धो लेना इससे बढ़िया, तो अच्छे से हो जाएगी साफ। क्या दाल को पागल बोलूंगी नहीं, ऊपर छत में पड़ी रही है ना, सुबह साफ किया था, फिर छत में पड़ी रही है, एक बार और साफ कर दूंगी। बेसन पिसाना है? बेसन थोड़ी पिसाया जाता, बेसन खुद पिसा रहता है। चालू किया। हाँ मैं चालू किया।
भर गया क्या बाहर? भर गया बाहर। बहुत अच्छा लग रहा मटर खाने में। मैं कुछ चिढ़ा रही हूँ कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ। चिढ़ा नहीं रही हूँ, इसमें अच्छा लग रहा है। अब नहीं खा पा रहे हो तो मैं क्या करूँ बताओ? मेरे वैसे भी छाले उग गए हैं। तुम्हारे? हाँ, मैं एक मुंह में 10 छाले हैं मेरे। एक मुंह में 10 छाले। एक मुंह में 10 छाले? हाँ। कितने मुंह होते हैं? एक मुंह में 10 छाले हैं। कितने मुंह है तुम्हारे? एक मुंह है। तुम कह रहे हो एक मुंह में 10 छाले हैं, तो कितने मुंह है तुम्हारे? तो एक मुंह है। तुम पागल कर दोगे मुझे। एक मुंह में 10 छाले हैं मेरे, मैंने गिने थे शीशे में। जाने करता बोलूं। थारा भाई चमन धोएगा बर्तन? नहीं तुम ना धो, मैं धो लूंगा बर्तन। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, मम्मी दाल चुरा रही हैं। अच्छा कि वो खाना ले पूरी दाल। मम्मी एक हैंड वॉश मैंने यहाँ पे रख दिया, ये रखा है। ठीक, सबसे पहले मैंने इसका उद्घाटन किया है, मैंने हाथ धुला इससे। अरे हाथ नहीं, बाल धुला, सॉरी बाल। हाँ दोस्तों, मेरा बन गया शाम का खाना, हम लोगों ने खा लिया और मेरा हो गया सारा काम। खाना खाने के बाद साहिल कर रहा है पढ़ाई। किस चीज़ का काम कर रहा है साहिल? कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, कल दोस्तों साहिल कर रहा है कंप्यूटर का काम। छुट्टी मिला रहा है हॉलीडे, अपना पूरा काम करेगा। कितने दिन की छुट्टी है साहिल? 4 दिन। काम कितना मिला? 8। दोस्त साहिल 4 दिनों में 8 विषय का काम पूरा करेगा। क्यों साहिल? विषय बोलते हैं ना साहिल जानता है, मम्मी की शुद्ध हिंदी साहिल भी जान गया, सब को अच्छी तरीके से समझ गया है कि मम्मी विषय किस चीज़ का बोल रही है ना। दोस्तों साहिल को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, पढ़ने दे रही हूँ। साहिल कर रहा है पढ़ाई। दोस्तों वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत थक गए तो मैं जा रही हूँ, चुपचाप लोग सुनिए।